एक छोटा सा बच्चा आज भी आकाश की ओर देखते हुए सोचता है कि आसमान कोई नीली चादर तो नहीं, फिर ये नीला रंग क्यों। फिर वह सोचता है कि गिलास पर रखे हुए पानी का कोई रंग नहीं दिखता, फिर समुंदर का रंग नीला क्यों। उसके इस प्रश्न का उत्तर उसका शिक्षक सहज भाव में देता है कि आसमान और समुंदर का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सन 1921 से पहले यह सवाल एक अबूझ पहेली थी। अंततः इस पहेली का जवाब देते हुए भारत के एक महान वैज्ञानिक ने ऐसी खोज कर दिखाई कि संपूर्ण विश्व दशमलव प्रणाली और शून्य के आविष्कार के बाद पुनः विज्ञान के क्षेत्र में भारत की ओर आकर्षित होने लगा। भारत को विज्ञान के क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बनाने वाले ये महान वैज्ञानिक थे सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। सर सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता श्री चंद्रशेखर अय्यर एसपीजी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक थे। इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद विलक्षण प्रतिभा के धनी बालक सीवी रमन को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना था, लेकिन एक ब्रिटिश स्वास्थ्य अधिकारी ने उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उनका आवेदन पत्र खारिज कर दिया। विकल्प स्वरूप सन 1902 में सीवी रमन ने मद्रास प्रेजिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने स्नातक तथा स्नातकोत्तर की उपाधियां गोल्ड मेडल के साथ प्राप्त की। सन 1907 में सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के बाद रमन भारतीय वित्त विभाग कलकत्ता में उप महालेखाकार के पद पर नियुक्त हुए। शोध के प्रति उनके जुनून का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि सन 1917 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने से इनकार कर दिया। सन 1921 में यूरोप के लिए एक समुद्री यात्रा के दौरान रमन ने भूमध्य सागर के नीले रंग पर गौर किया और समुद्र के नीले रंग का कारण जानने के लिए उत्साहित हुए। भारत लौटने के पश्चात उन्होंने पानी और बर्फ के पारदर्शी टुकड़ों से प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंध में कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए। परिणाम स्वरूप वे पानी और आकाश के नीले रंग के कारणों की वैज्ञानिक व्याख्या देने में सफल हुए। यही वह मनोरम घटना थी जो रमन प्रभाव की खोज के लिए प्रेरणा स्वरूप साकार हुई। दिसंबर 1927 की एक शाम को रमन शोध करने में व्यस्त थे। उसी समय उनके छात्र के एस कृष्णन ने रमन को बताया कि प्रोफेसर कॉम्प्टन को एक्स किरणों के प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इस बात से रमन के दिमाग में एक विचार आया कि यदि कॉम्प्टन प्रभाव एक्स किरणों के लिए लागू होता है तो यह दृश्य प्रकाश पर भी लागू होना चाहिए। उन्होंने अपनी इस परिकल्पना को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए। अंततः 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज कर उनकी उस परिकल्पना की वैज्ञानिक व्याख्या देने में सफल हुए। उनकी इस महान उपलब्धि के लिए उन्हें सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1941 में सर रमन को अमेरिका के फ्रैंकलिन संस्थान द्वारा फ्रैंकलिन मेडल से सम्मानित किया गया और साथ ही सन 1954 में सर रमन को भारत सरकार द्वारा भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया और साथ ही साथ सन 1957 में उन्हें सोवियत संघ ने लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया। विश्व पटल पर भारत की क्षमता का लोहा मनवाने वाले इस महान पुरुष ने 21 नवंबर 1970 को बेंगलोर में आखिरी सांस ली। सर सीवी रमन द्वारा बेंगलोर में स्थापित रमन शोध संस्थान आज भी भारतीय विज्ञान को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहा है और उनके यह वाक्य कि आई एम द मास्टर ऑफ माई फेलियर, इफ आई नेवर फेल हाउ विल आई एवर लर्न, आज भी लाखों युवा वैज्ञानिकों को प्रेरित करती है। आज 28 फरवरी 2016 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय का स्वामी रामतीर्थ परिसर उन्हें नमन करता है।